गुड मॉर्निंग क्लास एट, आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर परसेंटेज फैक्टराइजेशन। आपका वाइंड अप हो चुका है, फैक्टराइजेशन की एक एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दिया है। किसी को भी फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लेंगे। बाकी परसेंटेज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, चैप्टर बहुत ईजी भी है। आप लोगों ने इसको कई क्लासेस में पढ़ा भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में सिक्स सेवन्थ और इवन कई लोगों ने फिफ्थ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो परसेंटेज में हम स्टार्टिंग जो करेंगे, आप लोग समझिएगा ध्यान से, जो परसेंटेज की स्टार्टिंग होती है वो 100 से होती है, ये याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अपने में हमेशा 100% होती है, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। मेरे हाथ है 100% काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब परसेंटेज 100 में से ही निकालना चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, कई जगह क्वेश्चन में 900% आ जाता है। देखिए ये सवाल है, बट अगर हम लोग रियलिटी में देखें, ठीक है, इफ वी विल मूव ऑन रियलिटी, वी कैन सी दैट एवरीथिंग इज इन परसेंटेज ऑफ 100, हमेशा 100 में। आपको मार्क्स 100% मिलते हैं, ठीक है, सैलरी 100% में आती है, सब कुछ परसेंटेज पे आता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज में आता है, 100% में ही आना है। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि परसेंटेज का मतलब होता है, अगर हमने कहीं लिखा X%, तो X% का क्या मतलब है? X% का मतलब है X/100, यानी जहाँ भी परसेंट का साइन लगा होगा वो हमेशा उसके नीचे 100 में आ जाएगी बात, ठीक। अब आपके मन में सवाल आया कि 100 नीचे क्यों अगर परसेंटेज लगा है? क्योंकि जो परसेंटेज वो हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स यानी HUNDREETHS, हंड्रेड्स मीन्स ये हमेशा नीचे ही आता है डिनोमिनेटर में परसेंटेज का साइन हटाने के बाद, हमेशा वाइस वर्सा चीज होती है मैथ्स और फिजिक्स में। तो समझिए, अगर परसेंटेज हटाना है तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 से, और अगर परसेंटेज को अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। समझ में आया? किसी को भी आपको परसेंटेज बनाने कोई चीज़ दे दी जाए, आप उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो आप लोग हमेशा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम लोग मूव ऑन करें तो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इजीली समझिएगा कि कहीं अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है, सबसे पहले मैं आपको चेंज इन परसेंटेज सिखाऊंगा, कैसे परसेंटेज में चीज बदली जाती है, ठीक है। कभी अब हम ये जो है, मैंने कॉमन क्वेश्चन लिया है, आपकी बुक में डिफरेंट टाइप में दिया होगा कि चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, चेंज डेसिमल इनटू परसेंटेज, चेंज रेशियो इनटू परसेंटेज, बट मैंने इसको एक कॉमन चीज़ लिया है। वो कॉमन चीज़ ये है कि चेंज इन परसेंटेज कॉमन में मीन्स हम लोग इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपको होल नंबर लेके कि कहीं आपको अगर दिया है चेंज इन परसेंटेज 2, अब 2 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले समझिए, हम लोग तुरंत इस 2 को उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 200%, क्या आ जाएगा 200%, सिंबल परसेंटेज का आप तुरंत लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200%। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, अगर आपको कहीं कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए 4/5 तो 4/5 दिया है means 4/5 × 100, क्या करेंगे 4/5 × 100 means 5 को इससे slowest term करेंगे तो 20 आएगा, और 4 × 2 = 8 यानी 80%, क्या हो गया 4/5 यानी 80% परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या आ गई है 80%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। अगर वहीं आपको कहीं दे दिया जाए 2/3, इसको परसेंटेज में चेंज करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, यानी 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6 और 6+2 = 8, 8/3, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा इधर 800/3%, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे इसको क्या, इसको भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्री क्वेश्चंस मैंने आपको बताया फ्रैक्शन और होल नंबर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, फोर्थ क्वेश्चन आपको कहीं दे दिया जाए जैसे 0.003, इसको परसेंटेज बदलिए, बहुत इजी है, सिंपल। 0.003 को पहले डेसिमल हटा देंगे तो ये बन जाएगा 3/1000, क्या बन जाएगा 3/1000, और हमने बताया इसको मल्टीप्लाई किससे करना, 100, तो 100 × 10 = 1000 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 3/10%, लेकिन ये तो 10 नीचे बचा है, अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 0.03%, किसी कोई दिक्कत, सॉरी 0.3% क्या आ जाएगा, 0.3%, क्योंकि 10 है ना तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगता है, डेसिमल तो पढ़ा है। अब समझिए, सेम अगर क्वेश्चन आ जाए फिफ्थ, 0.50, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम इसको क्या करेंगे 50/100 × 100 ऐसे कर देंगे, ठीक, यानी ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 50%, क्या बचेगा 50%, ये है भाई आंसर। ऐसे निकलते हैं आपकी वैल्यूज़, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसे निकालना है वैल्यूज़, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चंस आपके, रेशियो का अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया है, जैसे आपको दे दिया जाए 6:5, चेंज इन परसेंटेज 6:5, तो क्या करेंगे हम लोग, 6:5 को मैंने क्या बताया, आप लोग क्या करेंगे 6/5 × फिर 100 से करना है क्योंकि परसेंटेज बदलना है, यहाँ पे क्या होगा 5 × 2 = और 6 × 2 = 120%, कितना 120%। तो ये हो गई आपकी वैल्यूज़, कैसे निकालना है, परसेंटेज में कैसे वैल्यूज़ चेंज करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे वैल्यूज़ परसेंटेज गिवन है और वैल्यूज़ में चेंज करें, देखिएगा, जैसे चेंज परसेंटेज इन नंबर्स, नंबर्स मीन्स आप लोग ले लेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, जो भी आ जाए, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जैसा भी आएगा आपको इसमें देखना है। जैसे आपको कहीं दे दी जाए कि आपके पास हो जाए 200%, क्या आ जाए 200%, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हमने आपको दे दिया 200%, अब 200% को हमको चेंज करना है किसमें, नंबर में, तो कैसे चेंज करेंगे 200/, ये परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2, अब यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज तो हटाना ही है, इसीलिए हमने क्या किया परसेंटेज का साइन हटा दिया। अब समझिए सेकेंड पार्ट इसका, अगर कहीं आपको दे दिया जाए 5/20%, ऐसा दे दिया जाए, तब क्या करेंगे, बहुत ईजी है, हमको डिवाइड ही तो करना है सब, तो क्या करेंगे 5/20 × 100, 20 के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी डिवाइड में था इसलिए हमने इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे 5 × 4 = और यहाँ क्या आ जाएगा 1/400%, कितना आ गया, परसेंट नहीं, 1/400, ये आ गया आपका इस तरह का नंबर। अब आप इसको डेसिमल में भी बदल सकते हैं, डेसिमल में कैसे बदलना है, या आप लोग इससे इससे डिवाइड करेंगे कैसे होगा वो आप लोग को पता है, ठीक है ना। आप समझिए, अभी कहीं आपको दे दिया जाए 0.35%, यानी आप लोग का साथ ये 0.3 तो रहेगा ही, यानी ये 35/1 डेसिमल हटेगा तो 100 आएगा ही, साथ में 100 आपका परसेंटेज का भी आ जाएगा, यानी अब हो गए 4 ज़ीरोस, भाई 10,000 नीचे हो गया, यानी 35/10,000 हो गया, 35/10,000 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल इनपुट करेंगे इसके बाद 1, 2, 3, 4, मीन्स 1, 2, 3, 4, 0.0035, समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था आज, मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया 100% पे, हम लोग परसेंटेज पे। अब हम लोग जो है आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसमें।
आप लोगों को ये चेंज करना बहुत आसानी से आना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जो कि एग्जामिनेशन में आपको फुल मार्क्स स्कोर करा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं आगे की तरफ मूव करूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग को ये चैप्टर समझ में आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज तो सबके लिए डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हर एक आदमी परसेंटेज पे डिपेंडेंट है, कोई ऐसा आदमी है जो परसेंटेज पे डिपेंडेंट नहीं है। खाने की डाइट भी परसेंटेज में, सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, सैलरी परसेंटेज में आ रही है, नंबर परसेंटेज में आ रहे हैं, है ना, सब कुछ परसेंटेज में। इसलिए परसेंटेज को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। किसी को कोई क्वेरीज होंगी तो हम लोग डिस्कशन ग्रुप में कल डिस्कस करेंगे।